मूर्ति के बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची सनातन संस्कृति के बिंब के रूप में, कर्तव्य परायण स्वरूप में, धर्म परायण स्वरूप में, 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में, भारत भारतीयता के अग्रदूप के रूप में और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में, सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, भारत की एकात्मता के, भारत के वैभव के इस अटूट प्रदर्शन के आज दिन को पूरी दुनिया साक्षी हो रही है। और अगर देखें तो निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुँचे हैं, कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिए आता है, सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है, माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है। और वह संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वह संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वह संदेश है कृणवंतो विश्वमार्यम का, वह संदेश है वयम राष्ट्रे जागरया पुरोहिता, यानी कि हम राष्ट्र में जागते रहें और राष्ट्र निर्माण में हम संलग्न रहें। आज इतिहास लिखा जा रहा है, सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं। ये संकल्प है उन हुतात्माओं के लिए, ये संकल्प है उन बलिदानियों के लिए, ये सभी संकल्प है। और आज हम साक्षी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित हैं श्री राम लला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए और प्रधानमंत्री एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो छह गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो छहों के छहों परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जा करके अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। और शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधारे हैं, वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने ही वाले हैं और बहुत ही एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो अद्भुत योग बना है, आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजित क्षण है।
मृगशीर्ष नक्षत्र है जो कि भगवान चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है, और आज सोमवार का बहुत ही अद्भुत दिन जिसमें ये परम योग बना है, इंद्र योग, आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पूर्व कालामृतानुसार जो बाण पंचक सिद्धि योग नहीं होने से ये संजीवनी योग बन रहा है। आप स्पष्ट तौर पर समझे कि ये जो पंच बाण है, पंच बाण न होने से ये संजीवनी योग और लग्नेश मंगल में होने से, नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि होने से राजयोग बन रहा है। इस अब आडवाणी जी की यात्रा के प्रसार के लिए गुजरात के समन्वय की भूमिका में रहे, तत्कालीन भाजपा महासचिव के रूप में 600 किया। उस भ्रमण के दौरान दौरा नहीं पड़ा जिसमें केवल जल का भोग करके ही 600 से अधिक गांव में संबोधित यात्रा का कुशल संचालन किया, समन्वय किया। सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा के साथी के रूप में अगर देखें तो एक वीरव्रती के रूप नवरात्र के समय जल पीकर 18 घंटे से एक वीरव्रती के रूप में मंत्री थे, तत्कालीन महासचिव भाजपा के बीजेपी इकाई के थे, उन्होंने अपना अंशदान किया। और अगर एकात्मता यात्रा की बात करें 1992 में 14 जनवरी कार्यकर्ता के रूप में आए थे, यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, उनका पुनरागमन और लक्षण आज Thank you.
हेलीकॉप्टर अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स सब वहीं पर एकत्रित हैं।